गोवर्धन की लक्ष्य संस्था द्वारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ब्रजवासियों को कचौरी और बूंदी का प्रसाद बांटा गया। देश भर में जहां कोरोना ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर रखा है, बावजूद इसके भारतीय लोग भारतीय संस्कृति और अपने सांस्कृतिक आयोजनों को नहीं भूल रहे हैं। गोवर्धन के बरसाना रोड स्थित चंद्रा गार्डन में लक्ष्य संस्था द्वारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज लोगों के लिए बूंदी और ब्रजवासियों का प्रसिद्ध शाही नाश्ता जलेबी कचौड़ी बांटे गए। साथ ही गरीबों के लिए लगभग 60 पैकेट सूखी राशन सामग्री भी वितरित की गई। संस्था के सदस्य डॉक्टर रविंद्र पांडे ने बताया, वैसे तो प्रतिदिन गरीबों के लिए लगभग 500 खाने के पैकेट और सूखी सामग्री बांटी जा रही थी, लेकिन आज क्योंकि हनुमान जयंती महोत्सव का विशेष दिन है, इसलिए हनुमान जी के प्रसाद के रूप में बूंदी और ब्रजवासियों के प्रमुख नाश्ते के रूप में प्रसिद्ध जलेबी और कचौरी का वितरण करवाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिदिन भोजन वितरण में क्वालिटी के साथ साथ वैरायटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कि लोग एक ही तरह का खाना खाकर बोर ना हो। इस मौके पर सोनू गर्ग, घनश्याम उर्फ बांचे लाल, कृष्णकांत उर्फ सोनू लाला, पंकज अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर रविंद्र पांडे, डॉक्टर साहब, ये चंद्रा गार्डन में जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएं। ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हमारे पूरे देश में लगा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हमारी ओर से, लक्ष्य संस्था की ओर से, ये भोजन वितरण सामग्री और राशन सामग्री भी साथ में वितरित की जाए। कब से आज हमको लगातार छठवां दिन है इस कार्यक्रम को करते करते। क्या क्या आज प्रसादी में क्या है? आज प्रसादी में हमने बूंदी बनवाई है, भेड़ी बनवाई है और सूखी सब्जी। कहाँ कहाँ बांटे जाएंगे? वैसे तो ये पूरी प्रक्रमा में बांटे जाएंगे। आज हमने 500 पीस प्रसादी के बनवाए और 60 पीस हमारे सूखी सामग्री के।